अच्छी गेंद जड़ में थी, उसको हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं। और 42 रन चाहिए जीत के लिए। इस समय रोहित जो कि अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए और इस समय उठा दिया है, फील्डर है वहां पर मौजूद, दीपक देखते हैं कैच हो पाता है या नहीं। और यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से एक जीवन दान मिला, एक आसान तक है ड्रॉप कर दिया दीपक। और इस समय बहुत ही अच्छी वाइड कही जा सकती है, अच्छी गेंद उसको खेल दिया कवर की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन से खाता खोला अपना छोटू ने। अब कवर को बाउंड्री पर लिया गया है और स्क्वायर लेग बाउंड्री को 100 स्क्वायर लेग की दिशा में तब्दील किया गया है। और इसमें फिर से खेलना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया गेंदबाज रोहित ने। और इस समय एक और अच्छी गेंद लेकिन नतीजा काफी खराब होगा और आपके लिहाज से। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था और गेंद सीधा ही चली गई फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन पहला ओवर प्रगति पर है। हार हो जाएगी और आप बजरंग दल की टीम खेल दिया है मैदान में उसकी दिशा में। जब तक से मिड ऑफ का फील्डर गेंद को फील्ड करे एक रन लेने के मौका दो नहीं बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ते हुए 11 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। दो स्लिप और इस समय उठा दिया है नो मैन्स लैंड में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए दिया गया है। और गेंद काफी खराब और उसको खेल दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से और आधे रन चाहिए जीत के लिए। फील्डर के पहुंच से काफी दूर और गेंद जब तक फील्ड है एक रन लेने का मौका दो नहीं बल्लेबाजों के पास अभी। और इसमें क्लीन बोल्ड सचिन का विकेट मिलता हुआ गेंद और इस समय खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। 6 रनों से खाता खोला काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी का। अभी ने अभी तक 17 रन खर्च कर चुके हैं अपने 5 गेंदों में। और इस समय एक और खराब गेंद और नतीजा अंपायर जो कि छोटू पांडे मेरे हित में खेल दिया है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी करते हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसे 4 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 8 रन चाहिए जीत के लिए। खेल दिया है फील्डर वहां पे मौजूद अंकित। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन और 7 रन चाहिए जीत के लिए और 6 रन टाई के लिए। अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रोहित। पता है उनको शशि बोल रहे थे कि मैं अपना फील्ड सेटअप कहां करूं गुण बना किया कह रहे कहा कि रहने दो। अब 7 रन यहां से शायद हेजल हुडन स्टार किया जाए तो नहीं बचेंगे। एक डॉट गेंद और इस समय खेल दिया है फील्डर वहां पे मौजूद
लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे फील्डर गेंद उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई चार रनों के लिए। इस चार रन के सहारे दोनों 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर में पहुंच गए हैं। अब यहां से 3 रन चाहिए जीत के लिए, मात्र 3 रन जीत से दूर रमरिया की टीम इस उद्घाटन मैच में। टिंकू सिंह वर्सेस पिंटू सिंह, दो लीजेंड्स का मुकाबला देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, क्या कलाइयों का उपयोग किया और छक्के से मैच को जिताया।